सात डिग्री, एक ओगले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेमी स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेमी चौड़ी एक आयताकार चादर बनाई गई है, तो चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इधर ये वर्त है, क्या ये वर्त, ये वर्त बना दिया मैंने बेलनाकार, क्या है बेलन नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो ये ऊंचाई है हाइट, ठीक है ना, ये कितनी है 33 सेमी, ठीक है। अब जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है ना, और ये आयत है, क्या ये आयत, आयत, ठीक है ना। इसकी जो ये ऊंचाई है ना, ये वाली चौड़ाई, ये इसके बराबर है, ठीक है ना, तो 33 सेमी हो गई, क्या हो गई ये 33 सेमी चौड़ाई हो गई। और जो ये इधर से इसको काटेंगे ना बीच में से, ठीक है ना, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये लंबाई, वैसे ये क्या होती है परिधि होती है इसकी, ठीक है ना। तो पहले देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh, ठीक है ना, इसका मान कितना है 2πRh का 4224 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो 2πR का मान बता दिए इसमें, तो इसमें हाइट दे रखी है 2πR इंटू एच बराबर 4224, तो देखो 2πR ये होती है वर्त की परिधि, क्या होती है परिधि, वर्त की, बेलन की परिधि 2πR, परिधि से इसे बोलते हैं, क्या होती है ये, ठीक है, ये परिधि होती है, आगे सुनो, तो बेलन की परिधि होती है 2πR और इंटू एच, ठीक है ना। तो इसमें एच कितना है, इसमें हाइट दे रखी है तो कितनी है 33 सेमी, तो 33 सेमी कर देता हूं मैं यहाँ पे बराबर, इसको गुणा करेंगे ना और इसको, तो मान कितना आता है 4224 सेमी, 4224 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो 2πR को तो रहने देंगे ऐसे कैसे, परिधि हो गई है बराबर, जो ये 33 है ना इधर इंटू में, तो इधर आगे किसमें जाएंगे ये बटावटी में, किसमें जाएगा बटा में, इधर आके भाग चला जाएगा इसका, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के बाद यहाँ अपने आता है 33 कम 33 यानी कि 128 आता है, यानी कि इस 2πR का बेलन की परिधि कितनी हुई 128, बेलन की परिधि बराबर 128 यानी कि ये बेलन की परिधि हो गई। अब इसको हम बीच में से काटेंगे यहां से, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 128 आयत की, ठीक है ना, समझ में आ गई, अगर ये समझ में नहीं आए तो देखो ये बेलन है, इसकी ऊंचाई है 33 सेमी, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी आयत की, आ गई समझ में। फिर इसके बाद में ये परिधि है, ये गोल, ठीक है, इसको चौड़ा करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई ये वाली हो गई और लंबाई ये वाली हो गई, ठीक है। तो देखो इसकी परिधि ये थी 128, ठीक है ना, क्या थी ये 128 थी, तो ये चौड़ाई हो गई, सॉरी लंबाई, और ये हाइट थी इसकी, तो इसकी ये चौड़ाई हो गई, आगे समझ, बेलन की परिधि हो गई 128। अब ये बोल रहे हैं तो आयताकार चादर बनाई गई है, अब चादर का परिमाप ज्ञात करना है। अब इसमें तो ये तो हो गई लंबाई, क्या हो गई है आयत की लंबाई आ गई अपने पास, ठीक है ना, यानी कि चादर की लंबाई, चादर की लंबाई बराबर 128 सेमी, चादर की
ऊंचाई बराबर सॉरी चादर की चौड़ाई बराबर 33 सेमी। ठीक है, ये हो गया 33 सेमी, हो गया ना। अब देखो चादर का परिमाप, चादर यानी कि आयत ही है, क्या ये आयत का परिमाप। तो देखो सूत्र होता है आयत का परिमाप कहते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 × लंबाई कितनी है 128 प्लस चौड़ाई कितनी है 33, इन दोनों को जोड़ दो 161 × 2। ठीक है ना, कर लिया 2 × 1 = 2, 2 × 12 ठीक है, आसिफ का 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 3, 3 × 22 सेमी स्क्वायर नहीं मात्र सेमी। ठीक है, ये आंसर आ गया इसमें, चादर का परिमाप ज्ञात हो गया। ओके डन।